नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं स्त्री को अपनी मोहब्बत में पागल करने का बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण तिलक के बारे में। आप अगर इस तिलक को लगा करके किसी भी मनचाही स्त्री के अगर नजदीक जाते हैं तो पल भर में वो स्त्री आपकी दीवानी हो जाएगी, पल भर में वो आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगी, वो आपके बिना नहीं रह पाएगी। आज मैं शक्तिशाली वशीकरण और सम्मोहन करने का तिलक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आखिर इस तिलक को बनाने की विधि क्या है, इसकी तरीका है, इसमें कौन कौन सा सामग्री की आवश्यकता है, मैं सारे कुछ विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूँ। आप हमारे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जा करके जय माँ चामुंडा जरूर लिखे ताकि माता चामुंडा की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आपने आज तक कितनों भी तरह का वशीकरण टोटके, बहुत सा टोटके आप अपनाते आ रहे हैं, बहुत सा टोटके आपके लिए फलीभूत हुई है और बहुत सा टोटके आपके लिए निष्फल साबित हुई है, लेकिन आज मैं खास करके ये वीडियो आपके पास में लेकर के आया हूँ ताकि इसके जरिए से बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही एकदम चमत्कारी तरीके से आप किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवाना बना सकते हैं, आप किसी भी मोहब्बत में किसी को पागल कर सकते हैं। आप इस क्रिया के द्वारा किसी भी स्त्री को अपने दीवाना बना करके आप उसे आगे पीछे घुमा सकते हैं। उसके बाद आप जो चाहिएगा, जो बोलिएगा, वो सो करने को तैयार होगी, सिर्फ मात्र इस वशीकरण तिलक के द्वारा। आज मैं तिलक को बनाने का विधि बता रहा हूँ और इसमें कौन सा दिन में इस तिलक को बनाना चाहिए, क्या क्या इसमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारे कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप पेन एंड पेपर, कागज और कलम लेकर के आप नजदीक बैठ जाइए और इस सामान को जरूर आप नोट कीजिए और इसके अनुसार जैसे मैं बता रहा हूं अगर ऐसा अगर आप कर देते हैं तो निश्चित तौर से इस तिलक को लगा करके ना सिर्फ स्त्री, किसी भी लड़की, किसी भी आदमी, किसी भी शादीशुदा औरत, किसी पड़ोसन, किसी भाभी के पास अगर आप जाते हैं तो निश्चित तौर से चमत्कारी रूप से अचूक वशीकरण होगी और वो आपको देखते के साथ में मंत्र मुक्त हो जाएगी, सम्मोहित हो जाएगी और आपको, आप अगर बात नहीं भी करते हैं तो जबरदस्ती वो आपसे बात करने लगेगी। ये चमत्कारी शक्तिशाली वशीकरण तिलक है। वशीकरण तिलक का मतलब ये है कि आप जहां भी जाते हैं उस तिलक को लगा करके आप जिसके तरफ देख लीजिएगा वो आपके तरफ प्रभावित हो जाएगी, आप उसको प्रभावित करके आप उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन गलत काज में इसको आपको कभी भी आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वशीकरण का क्रिया कभी भी गलत कार्य में आपको नहीं करना चाहिए। अगर इस क्रिया को करते हैं तो आपके लिए गलत परिणाम साबित होगी। हमेशा इस क्रिया को सही में, हकीकत में आपको इस काम को करना चाहिए, अन्यथा इसमें नहीं करना चाहिए। आखिर वो क्या का सामग्री रहेगी, कौन सा दिन में करना है, तो आप हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मित्रों, इस क्रिया को करना है आपको शुक्रवार के दिन में। शुक्रवार के दिन में करना क्या है, आपको 2 से 4 पीस लाना होगा कनेर का फूल, जिसको कनेर का भी फूल बोलते हैं, कनेर का भी फूल बोलते हैं, पीला रंग का कनेर का फूल होता है। आपको लाना होगा 2 से 4 पीस वो कनेर का फूल, 2 से 4 पीस लौंग और 2 से 4 पीस आपको इलायची और थोड़ा सा आपको लेना होगा केसर। ये सारे चीज को नोट करके लीजिए, ये सारे चीज को फिर से मैं बता दे रहा हूं। 2-4 पीस आपको कनेर का फूल, 2-4 पीस लौंग, 2-4 पीस इलायची और आपका केसर, ये सबको व्यवस्था करके शुक्रवार के दिन में सुबह में रख लीजिएगा। रखने के बाद में आपको करना क्या है कि रात के समय में, इत्मीनान के समय में, एकदम प्रकृति अवस्था जब शांत हो जाती है, शांत वातावरण जब हो जाती है, तो ये सारे चीज को आपको पीस करके किसी भी खल में, चाहे किसी भी तरह से आपको मिक्सी में
पीस करके उसको आपको पाउडर की तरह बना लेना है। पाउडर की तरह बना करके उसमें आपको 10-20 बूंद जो है चमेली का तेल उसको डाल दीजिएगा। और वो कांसा की बर्तन या आपको तांबे की बर्तन या चांदी का कटोरी किसी भी चीज में उसको रख करके आपको चमेली का तेल में घोल करके आपको पेस्ट बना करके आपको रख लेना पूजा स्थान में, और सामने में धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके और उसी पेस्ट के तरफ आपको देख करके इस मंत्र को 7 बार 21 बार 51 बार या 108 बार आपको बोलना है। मंत्र कौन सा है? मंत्र ये है, ओम चामुंडे देवी सर्वजन मामा बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा। ओम चामुंडे देवी सर्वजन मामा बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा। ओम चामुंडा देवी सर्वजन मामा बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा। बस इस मंत्र को आपको 21 बार 51 बार 108 बार बोल देने से ही वो आपका तिलक तैयार हो जाएगी, तिलक आपका पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद में जब भी आपको मनचाहे स्त्री के पास आपको जाना है, जिस स्त्री को आप प्यार करना चाहते हैं, जो स्त्री आपसे बात तक नहीं करना चाहती है, उसके पास में अगर आप इस तिलक को लगा करके अगर आप जाते हैं तो पलक झपकते हुए स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपके बसीबूत में हो जाएगी और आपसे बात करने लगेगी। यह बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली प्रयोग है, इसे आप जरूर अजमाएं। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता।